राम राम भाइयों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, इस समय हम हैं यहाँ पे रामपथ पे शहादतगंज की तरफ, और यहाँ से जस्ट अभी हम शहादतगंज से निकल रहे थे। तो मैंने सोचा आपके साथ एक शेयर करते हैं जो कि शहादतगंज में इस समय क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं निकला यहाँ से, और यहाँ पे आगे मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, जस्ट अभी आपको देखने को मिल जाएगा 2 से 3 मिनट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी देख सकते हैं, जस्ट अभी यहाँ पे रोड की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गैप दिया गया है, और रामपथ की लंबाई चौड़ाई लंबाई की बात करूँ तो शहादतगंज से सीधा ये जाता है आपका लता मंगेशकर पार्क की तरफ, और लता मंगेशकर चौक, तो वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है। तो जस्ट अभी हम चल रहे थे, अभी हम चलते हैं यहाँ से जस्ट प्रतापगंज की तरफ, और उसके बाद अभी दिखाते हैं आपको जो डेवलपमेंट है रामपथ का। और अभी यहाँ पे की बात करूँ तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ आधे बीच रास्ते पे भी वहाँ पे भी पड़ चुका है, इट्टी पड़ गई थी और डेवलप स्टार्ट भी हो चुका था यहाँ पे। और इधर की बात करूँ तो यहाँ पे भी अभी पूरा आधे से ज़्यादा जगह जो कि है इट्टी पड़ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी कुछ कुछ जगह है जो कि अभी मतलब रोड को लेवल किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और आगे दिखाऊँगा, क्योंकि एक नया अपडेट है और बहुत कुछ देख सकते हैं जो कि आस्था से जुड़ा और बहुत कुछ है, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आगे चलते हैं। और वैसे मैं बता दूँ, शहादतगंज हनुमानगढ़ी जो कि मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और उसको देखिएगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, उसको दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। और यहाँ की बात करें तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भाई अच्छा खासा गैप दिया गया है, और मतलब बहुत गजब का रामपथ की जो चौड़ाई है वो अच्छी खासी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम जस्ट आगे चलते हैं, जब तो वहाँ का दिखाते हैं। यहाँ बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे सीवर वर का पूरा एकदम गड्ढा उड्ढा कैसे खुदा गया पूरा। और अभी आगे चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, और वहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको, उससे आप भी देखेंगे कुछ जो हनुमानगढ़ी की क्या स्थिति है इस समय साथ में। तो यहाँ पे जैसा भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक वन वे की साइड में अभी चल रही है, और इधर भी मतलब खोद दिया गया पूरा सड़क, उसको जैसे बराबर किया जा रहा है, लेवल करेंगे उसके बाद ही सब होना है। तो भी दिखाते हैं हम आपको आगे भी, और सब वहाँ पर चलते हैं जैसे हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं, जैसे अभी मतलब यहाँ से 200 मीटर डिस्टेंस पे है, और वहाँ पे दिखाते हैं सारे हनुमानगढ़ी जो कि बहुत फेमस है अयोध्या में। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो भाई डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अभी इस समय कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बीच पे डिवाइडर भी बनाया जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं जो बोरी बड़ी है, बीच की लाइन है, और एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कितना नीचे कर दिया गया है, और उसके बाद इसी पे पूरा ढाला जाएगा बताते हैं आपको। और इस समय यार यहाँ पे धूल मिट्टी उट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी निकल चुके हैं, ये देखिए पेड़ जो बीच में है इसे भी हटा दिया जाएगा समय रहते, और अभी आगे दिखाते हैं यहाँ पे सीवर का ये पूरा काम चल रहा है इसमें। और अभी आगे दिखाते हैं, ये है शहादतगंज हनुमानगढ़ी, यहाँ देखो मतलब आधी हनुमानगढ़ी पूरा यहाँ पे तोड़ दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट अभी, और यही वो मैं दिखा रहा था आपको, जस्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों देख सकते हैं जस्ट अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ हनुमानगढ़ी से, यही वो अपडेट था जो कि मैं देखने वाला था रामपथ पे। और अभी मैं आगे भी बहुत कुछ है नया, वो भी दिखाता हूँ, जस्ट देख सकते हैं अभी। तो अभी मैं आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई उस साइड, देखिए मतलब आप राइट साइड से चल रहे थे और इधर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा, अभी यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे मैं बात करूँ ना भाई, रात में आप आराम से बच के आइए, क्योंकि देख सकते हैं जिस हिसाब से रोड बनाई गई है और कहाँ पर कितना ऊँचा है, देख सकते हैं ऊँचा नीचा है बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है रात में। वैसे भाई दिक्कतों का सामना बाइक वाले हो गए, साइकिल वाले हो गए, यही सबको करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट, और यहाँ पे बराबर करने का भी काम चल रहा है, और मैं अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ तो क्या क्या अपडेट है वो सब दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी देख सकते हैं जस्ट अभी थोड़ा आगे पहुँचे थे, वहाँ से जैसे सीधे हम जाते हैं तो उस साइड भी काम चल रहा है, और अभी आगे दिखाते हैं हम आपको। जस्ट यहाँ से पहले एक मूर्ति उठी जाती थी जो विसर्जन के लिए जाती थी, वहाँ से यहीं से जाती थी। इस मार्ग पे भी दिखाते हैं हम आपको, कैंट का मार्ग है वैसे, तो भी दिखाते हैं आगे आपको कहाँ का क्या क्या डेवलप हो रहा है। और यहाँ से जैसे अभी हम चलने वाले हैं बस अड्डा चलेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे रिकाबगंज की तरफ, और दिखाते हैं आपको यहाँ पे वैसे देख सकते हैं सीधा अभी चलने का हमारा वो था, और रास्ता खुला भी है फिलहाल,
तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट। और इधर देखिए भाई, जैसा कि मैं दिखा रहा था आपको, ये देखिए ये वो मशीन है लेबल करने वाली, ये देख सकते हैं यही वो, इसी से लेबल किया जा रहा है पूरा। और यहाँ पे बीच में सरिया गई है, इससे बीच का पता चल रहा है कि मतलब ये बीच में है पूरा, बीच का मतलब लेबल है ना भाई, बीच का डिवाइडर जो है वो चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जिसे भी सामने वर्क कर रही है, और ये पूरा एकदम रोड खोदने का काम कर रही है, और इससे रोड पूरा खोदा जा रहा है देख सकते हैं। अभी जैसे अभी हम यहाँ से चलते हैं, उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। ये चचा देख सकते हैं, ये देखिए भाई, ये देखिए जैसे यहाँ पे जेसीबी द्वारा पूरा खोदा जा रहा है रोड। अभी जैसे हम यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद आगे का पूरा दिखाते हैं आपको, क्या क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे, रामपथ मार्ग पे क्या क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जैसे खोद दिया जाएगा, इससे पीछे पीछे पूरा खोदा जा रहा है वैसे ही। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सुंदरीकरण, जैसे आप देखे होंगे वाराणसी अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे भी हुआ है, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडिया में भी हो रहा है पूरा, दीवारों पे पूरा एक से एक चित्रकारी बनाई जा रही है। जैसे अभी देख सकते हैं ये देखिए पूरा बैरिकेडिंग लगाई गई, यहाँ से बंद कर दिया गया है। जैसे अभी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता दिया है बाइक वालों के लिए केवल, तो अभी यहीं से हम चलते हैं आगे। ये देखिए तो मैं मतलब केवल बाइक वाले ही जा सकते हैं, तो नहीं भाई इतनी जल्दी से रास्ते में तो बाइक ही वाले जा सकते हैं, क्योंकि पूरा आगे वहाँ पे डेवलप हो रहा था, बन रहा है पूरा। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे बस अड्डे की तरफ, और उसके बाद आपको दिखाते हैं ये सब देख सकते हैं यहाँ पे रामपथ पे जो गड्ढे हैं भाई, कितना बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर रात में अगर आप बच के नहीं आए ना, ओवर स्पीडिंग करते हैं और या तो इससे आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, तो इसलिए आपका भाई आपको दिखा देता है क्या चीज़ है कहाँ पर क्या चीज़ है, जिससे आप जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको तो भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपका भाई पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट अभी हम चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं। अभी वन वे इस साइड का तो पूरा खोद दिया गया है, और जो इधर का देखें तो राइट साइड में देखें तो उस साइड में भी रोड वैसे की वैसी है। तो अभी देख सकते हैं जस्ट इधर का पहले एक तरफ बना दिया जाएगा और उसके बाद ही दूसरा तरफ पूरा स्टार्ट किया जाएगा, बीच का भी पूरा डिवाइडर भी बनना है, तो सब चीज़ अभी देखना पड़ता है, क्योंकि अभी इस मार्ग से आवाजाही जो है बहुत ज़्यादा होती है, जो पब्लिक है इस मार्ग से बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि मेन रोड है ये रामपथ वाली। तो अभी मैं आगे लेके चलता हूँ ये बस अड्डे के पास जैसे पहुँच चुके हैं, इस समय देख सकते हैं आप बस अड्डे पर बस भी खाली है। तो भाई क्योंकि यहाँ से आने जाने का रास्ता अभी बंद है जो मेन रूट है, और जो आपको बसें मिलेंगी वो आपको सीधा जहाँ शहादतगंज के पास मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जहाँ से स्टार्ट की थी वीडियो, जैसे वहाँ से मिलेंगी। और देख सकते हैं बस अड्डे के पास से जैसे हम निकले हैं, और अभी आगे चलते हैं और अभी आपको आगे भी दिखाते हैं ये कहाँ तक अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको जब विकासगंज तक दिखाएंगे आपको पूरा, और हो सका वहाँ तक चलते हैं तो वहीं तक दिखाएंगे आपको, और क्या क्या डेवलप है वो सब दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर जो मेन डेवलपमेंट था इस समय यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया, और यहाँ पर देखिए यहाँ सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे यहाँ पर सामने भी देखिए भाई, मतलब अभी एक तरफ खोदा गया है पूरा राइट साइड में, हमारे राइट साइड है और उस साइड से आएंगे तो लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जस्ट अभी आप ये देखिए, और ये देखिए इतना बड़ा पूरा मतलब वन वे ही कर दिया सड़क। तो अभी यहाँ पे दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों इस व्लॉग में मैं सोचा कि आपको यहीं तक लेकर आता हूँ, और उसके बाद यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो पार्क वाला वो भी वहाँ पे देख सकते हैं हटा दिया गया, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर रखता हूँ। ये वो पार्क है देख सकते हैं, इस व्लॉग को मैं यहीं पर रखता हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जय श्री राम।